एक दिन पहले तक कांग्रेस के नेता अहमद पटेल शरद पवार के साथ बैठक कर कह रहे थे कि पहले हम आपस में तय करेंगे और इसके बाद शिवसेना के साथ बातचीत करने की शुरुआत करेंगे। लेकिन रात के अंधेरे में उद्धव ठाकरे के साथ अहमद पटेल की हुई गुपचुप मुलाकात के बाद कांग्रेस को न जाने क्या हुआ, सुबह होते ही उनके नेता उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग खेलने लगे। करीब घंटे भर चली इस बैठक में कांग्रेस के बाला साहब थेराट, अशोक चव्हाण, माणिक राव ठाकरे मौजूद रहे। उद्धव के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बातचीत हुई। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच क्या बात हुई इसका तो खुलासा किसी ने किया नहीं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी उनसे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आज हमने चर्चा की शुरुआत की है, इस बैठक में एनसीपी की तरफ से कोई नेता शामिल नहीं हुआ। पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करने के बाद अजीत पवार ने कहा कि पहले कांग्रेस के साथ बात करेंगे क्योंकि हमारा और उनका एक ही मैनिफेस्टो है, लेकिन शिवसेना का अलग है, इसलिए हम पहले कांग्रेस के साथ रणनीति बनाएंगे, उसके बाद ही शिवसेना के साथ चर्चा करेंगे। अजीत पवार ने कहा कि नए साल से पहले ही महाराष्ट्र को नई सरकार मिल जाएगी। एनसीपी ने नेताओं की एक कमेटी भी बनाई है जो कांग्रेस के साथ मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा करेगी। ऐसी ही एक कमेटी कांग्रेस ने भी बनाई है, लेकिन सवाल ये कि बात पहले एनसीपी और कांग्रेस के बीच बात करने की हुई थी, लेकिन कांग्रेस क्यों कूदकर उद्धव ठाकरे के साथ बात करने पहुंच गई और वह भी बिना एनसीपी के नेताओं को साथ लिए? क्या ये जल्द से जल्द महाराष्ट्र की सत्ता पाने की कांग्रेस की जल्दबाजी है? लेकिन एनसीपी ऐसी किसी जल्दी में नजर नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।